नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। आज है हिंदी दिवस, जानने से जुड़ी खास बातें। प्रदेश में टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों से टैक्स वसूलने की चल रही तैयारी। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की नई योजना। प्रदेश के 27 जिलों में खुलेंगे अल्पावास गृह। बिहार पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, जाने इसके लिए क्या क्या हो रही है तैयारी। आज है आखिरी मौका, फ्री में करवा सकते हैं आधार अपडेट। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने अभ्यास किया शुरू। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रेजुएट पास वालों के लिए निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर है। ये भर्ती कुल 8113 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है हिंदी दिवस, जानने से जुड़ी खास बातें। आज 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज का ये दिन हिंदी भाषा की अहमियत और इसके प्रचार प्रसार को दर्शाता है। 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था और 1953 से ये दिन विशेष रूप से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये भाषा भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार का प्रतीक है। बिहारी बातें स्पेशल में आज हम बात करेंगे मृत्युंजय प्रभाकर के बारे में। ये एक भारतीय नाटककार, रंगमंच निर्देशक और कवि हैं। इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। इन्होंने कई प्रसिद्ध नाटकों का निर्देशन किया था। इसमें सबसे उदास कविता ख्वाहिशें, जी हमें तो नाटक करना है, तेरी मेरी कहानी है आदि शामिल है। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों में समकालीन रंगकर्म, जो मेरे भीतर है, साधु देखो जग बौदाना आदि शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें बिहार कला सम्मान, युवा शब्द साधक सम्मान आदि शामिल है। प्रदेश में टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों से टैक्स वसूलने की चल रही तैयारी। प्रदेश में 5 लाख से भी ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियां हैं। इन सभी पर 1000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। अब इन डिफॉल्टर गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग कार्रवाई करने की सोच रही है। हालांकि सरकार इन डिफॉल्टर गाड़ियों को टैक्स जमा करने का मौका दे रही है। सरकार ने कहा है कि वाहन मालिक इसका लाभ उठाकर बकाया टैक्स का भुगतान कर दे। इसके लिए 31 मार्च 2025 तक परिवहन विभाग मोहलत दे रही है, जिसके तहत परिवहन या गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर ट्रेलर, बैटरी चालित गाड़ियों का बकाया रोड टैक्स, हरित कर एक मुश्त जमा करने पर अर्थदंड से मुक्ति या दंड में कमी का लाभ मिलेगा। वहीं जो लोग तय समय सीमा में टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 200 से 300% तक अतिरिक्त दंड देना पड़ सकता है। यदि फिर भी अर्थदंड जमा नहीं होता है, तो जिला परिवहन पदाधिकारी इन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ नीलाम पत्रवाद दायर कर वसूली की जाएगी। स्कूलों में छात्राओं के शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट हुआ गंभीर। आज भी प्रदेश के कई स्कूलों में छात्राओं के शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की शुरुआत की है। अब सुनवाई करते हुए राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों के अभाव के मामले में अदालत ने सरकार से प्रगति रिपोर्ट दायर करने को कहा है। इसके लिए अदालत ने 4 सप्ताह का समय दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार से कहा था कि सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय और सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था के लिए जरूरी दिशा निर्देश तैयार करें। पितृपक्ष मेले में तीर्थ यात्रियों के लिए 5 तरह के टूर पैकेज हुए लॉन्च। पितृपक्ष मेला में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 5 प्रकार के टूर पैकेज लॉन्च किए हैं। इन पैकेजों में पिंडदान की सभी सुविधाएं जैसे आवासन, भोजन, पूजन सामग्री, दक्षिणा और यातायात शामिल है। एक यात्री को न्यूनतम 11,250 रुपये और अधिकतम 21,100 रुपये का भुगतान करना होगा। दो व्यक्तियों के लिए ये राशि 14,150 रुपये से 21,750 रुपये तक और चार व्यक्तियों के लिए 20,850 रुपये से 40,700 रुपये तक होगी। ई पिंडदान के लिए प्रति तीर्थ यात्री 23,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तीर्थयात्री www.bstdc.bihar.gov.in या bstdc@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं HDFC बैंक के अकाउंट नंबर 501003920514 और IFSC कोड HDFC00003320 पर भुगतान कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए और सटीक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। आज है आखिरी मौका, फ्री में करवा सकते हैं आधार अपडेट। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो उसे आप फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। आज इसकी अंतिम तारीख है, वरना आज के बाद आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको myaadhar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, फिर अपडेट आधार के ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद आधार नंबर और OTP डालकर लॉगिन करना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के स्कैन अपलोड करनी होगी। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आपको एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपका आधार अपडेट हो जाएगा। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों की नई लिस्ट होगी तैयार। बिहार में नए लाभार्थियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जोड़े जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों में सर्वे का काम शुरू होगा। सर्वे के जरिए लाभुकों की नई लिस्ट तैयार होगी। इस संबंध में सभी जिलों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से विभाग ने आवास योजना में नए योग्य लोगों के नाम जोड़ने की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार इसके लिए अनुमति दे चुकी है, जिससे विभाग आगे की तैयारी में जुट चुका है। आपको बता दें कि योग्य लाभुकों का चयन ग्रामीण विकास विभाग के आवास सहायकों द्वारा किया जाएगा। फिर सभी लाभुकों के नाम ऑनलाइन जुड़ेंगे। लाभार्थियों की सूची आधार नंबर के साथ तैयार की जाएगी, साथ ही योग्य लाभुकों की तस्वीर ऑन स्पॉट मोबाइल से ली जाएगी। प्रदेश के 27 जिलों में खुलेंगे अल्पावास गृह। प्रदेश के 27 जिलों में खुलेंगे अल्पावास गृह। बिहार के 27 जिलों में अल्पावास गृह खुलने वाला है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पुनर्वास पदाधिकारियों की भी अल्पावास गृह में तैनाती की जाएगी, साथ ही अल्पावास में काउंसलर की भी नियुक्ति होगी। ये अल्पावास गृह उन महिलाओं के लिए होंगे जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला स्तर पर शेल्टर होम की मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में सभी शेल्टर होम मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद बंद कर दिए गए थे। इसके बाद इसे 11 जिलों में शुरू किया गया। अब बचे सभी शेष जिलों में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा इसे खोलने की तैयारी है। बिहार पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, जाने इसके लिए क्या क्या हो रही है तैयारी। बिहार के पर्यटन को इस बार के कैबिनेट बैठक में एक और नया आयाम दिया गया है, जिससे प्रदेश के पर्यटन स्थलों की विभाग जगह जगह ब्रांडिंग करेगा। इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी होगी। प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के तहत किए जाएंगे, जिससे देश दुनिया के लोग बिहार के पर्यटन स्थलों की महत्ता जान सके। इसके लिए सोशल मीडिया, यूट्यूबर आदि की भी मदद ली जाएगी। प्रचार प्रसार के लिए जोरों शोरों से सार्वजनिक स्थलों जैसे हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर ब्रांडिंग होगी। इसके अलावा बिहार पर्यटन का लोगो भी तैयार होगा और ब्रांड एम्बेसडर की भी नियुक्ति की जाएगी, साथ ही बिहार पर्यटन गीत भी तैयार किया जाएगा। व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर्स जाने कैसे GIF कर सकते हैं क्रिएट। व्हाट्सएप ने हाल ही में एक नया फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स वीडियो को GIF में बदल सकते हैं। ये फीचर एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है और खास तौर पर मेमोरी को संजोने में मदद करता है। एंड्रॉयड यूजर्स को GIF बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए व्हाट्सएप ओपन करना होगा और उसे चैट को खोलें जहां आप GIF भेजना चाहते हैं। पिन आइकन पर टैप करें और फिर गैलरी को चुनें। उस वीडियो को सिलेक्ट करें जिसे आप GIF में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वीडियो के साइड में GIF विकल्प पर क्लिक करें और यहां फिर सेंड करें। इस नए फीचर के जरिए यूजर्स अपने खास पल को आसानी से साझा कर सकते हैं। हालांकि आईफोन यूजर्स को GIF क्रिएट करने के लिए अलग प्रोसेस करना होगा।
मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए खास सौगात। बिहार के 13 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और निर्माण प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इन जिलों में लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर और वैशाली शामिल है। बता दें कि 2018-19 में सरकार ने प्रत्येक जिले में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण का निर्णय लिया था। इस योजना के तहत दरभंगा और किशनगंज में पहले ही विद्यालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2020-21 में पूर्णिया और मधुबनी में भी इसी तरह की योजना को मंजूरी दी गई थी और अब 13 नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए 481 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे मुस्लिम छात्र छात्राओं के शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकेगा। बिहार के पूर्णिया के सीमेन स्टेशन ने देश में हासिल किया ए ग्रेड। देश भर में बिहार पूर्णिया सीमेन स्टेशन ने हाल ही में ए ग्रेड हासिल किया है। 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में ओडिशा के लोक सेवा भवन में आयोजित 2 दिवसीय मानसून बैठक के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह सौंपा। पूर्णिया सीमेन स्टेशन राज्य का पहला अत्याधुनिक सीमेन उत्पादन केंद्र है, जिसमें आधुनिक सांड सेड सीमेन प्रसंस्करण प्रयोगशाला और चारा उत्पादन इकाई शामिल है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से की गई थी। मॉनसून बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी संवाद और योजनाओं की समीक्षा करना है। पटना हाईकोर्ट ने दूसरी पत्नी का पेंशन पर हक के मामले में सुनाया अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी और दूसरी पत्नी के पेंशन पर हक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले में आदेश देते हुए कहा कि यदि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी पत्नी का पेंशन और दूसरे लाभों का हक नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ये मामला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से जुड़ा है, जहां नागेंद्र सिंह मासिक श्रमिक के रूप में काम करते थे, लेकिन 2020 में इनके निधन के बाद इनकी दूसरी पत्नी ने पेंशन के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वित्त विभाग के एक प्रस्ताव के आलोक में कहा था कि यदि किसी मृत अधिकारी के एक से ज्यादा विधवा पत्नी है तो पेंशन का भुगतान बराबर हिस्से में होगा, लेकिन अदालत ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने ये माना कि दूसरी पत्नी के बच्चे अनुपातिक लाभ के हकदार हैं, लेकिन मृतक अधिकारी नागेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी के दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, जिससे दूसरी पत्नी की याचिका खारिज कर दी गई। सुरक्षित सफर सुविधा का लाभ उठाने में पटना की महिलाएं सबसे आगे। पटना समेत 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार पुलिस ने 5 सितंबर को सुरक्षित सफर सुविधा शुरू किया था। इस सुविधा का लाभ उठाने में पटना की महिलाएं सबसे आगे देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि डायल 112 नंबर पर उपलब्ध सेफ ट्रैवल सर्विस के तहत अभी तक 22 फोन कॉल आए हैं, जिसमें से 14 कॉल केवल पटना की महिलाओं ने किया है। पटना के अलावा ये सुविधा गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा में शुरू किया गया था। इस संबंध में बिहार पुलिस ने जानकारी दी है कि 15 सितंबर से ये सेवा पूरे राज्य में शुरू हो जाएगी। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की नई योजना जन वितरण प्रणाली यानी PDS में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने नया फैसला लिया है। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब बिहार के निवासी राज्य के बाहर भी अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर आधार सीडिंग करवा सकते हैं। ये सुविधा हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में उपलब्ध है। राशन कार्ड धारी व्यक्ति पोर्टेबिलिटी के तहत दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में बिहार में राशन कार्ड के लाभुकों की संख्या 8.35 करोड़ है और राज्य में 5,118 जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं। आधार सीडिंग में राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। बेगूसराय ने बनाया रिकॉर्ड, अब बिहार के ये 6 जिले वाईफाई से होंगे लैस। उत्तर बिहार के 6 जिलों को वाईफाई से लैस करने के लिए BSNL काम कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले 4 महीने में इसे पूरा कर लिया जाए। भारत सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड के GM शंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर बिजनेस क्षेत्र में उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, छपरा, सिवान और गोपालगंज को वाईफाई जिला बनाने का काम शुरू हो गया है।
इन जिलों का चुनाव पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। आपको बता दें कि बेगूसराय बिहार का पहला ऐसा जिला बन चुका है जिसने सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस कर लिया हो। सरकार के इस पहल से ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, बिहार के मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। आज प्रदेश में नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, शेखपुरा और लखीसराय में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। गैस सिलेंडर से आग से सुरक्षा व बचाव के लिए करेंगे काम। आज लगभग कई घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे लिए जितनी सुविधाजनक है, यदि सावधानी ना बरती जाए तो उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। गैस सिलेंडर की आग से सुरक्षा एवं बचाव जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा करके रखें। जलते हुए चूल्हे को पहले रेगुलेटर से, उसके बाद स्टोव वॉल्व से बंद करें। रेगुलेटर का पाइप नियमित रूप से साफ करें और समय पर पाइप बदलें। खाना बनाते समय एक बाल्टी या मग में पानी जरूर रखें। खाना बनाते समय चूल्हे पर रखे गर्म बर्तन को पल्लू से ना पकड़ें। उबलते हुए चाय या दूध को छोड़कर रसोई से बाहर ना जाएं। यदि गैस की गंध आ रही है तो इलेक्ट्रिक पैनल स्विच के साथ छेड़छाड़ ना करें। इससे जुड़ी किसी तरह की अनहोनी होने पर आग लगने पर 101 या 112 डायल कर सकते हैं। लालू यादव की सर्जरी के बाद पहली तस्वीर आई सामने। बुधवार को मुंबई के एशियन हार्ट अस्पताल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंजियोप्लास्टी हुई है। आपको बता दें कि दिल से जुड़ी समस्या के कारण लालू प्रसाद यादव का इलाज मुंबई में चल रहा था। अब इस सर्जरी के बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता से जुड़ा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर के साथ लिखा है कि करोड़ों लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल स्वस्थ हैं। जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा और अधिसंख्या आबादी के आराध्य। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत सर्जरी के बाद ठीक है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने अभ्यास किया शुरू। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दी है। गुरुवार रात टीम इंडिया चेन्नई पहुंची, जहां रोहित शर्मा अपनी टीम के साथ जमकर अभ्यास करते दिखाई दिए। भारतीय टीम के अभ्यास से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ी जमकर तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, बुमराह और कई खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1833 में विलियम बेंटिक भारत में पहले गवर्नर जनरल बनकर आए थे। आज के दिन वर्ष 2000 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। आज के दिन वर्ष 2009 में भारत ने श्रीलंका को 46 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट कप जीता था। आज के दिन वर्ष 2013 में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आपके भारत को उसका डोमेन नेम और यूआरएल अंग्रेजी के अतिरिक्त अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध की गई थी। आज के दिन वर्ष 2016 में पैरा ओलंपिक 2016 में भारत के अब तक कुल 4 पदक हुए थे। फ्री लैपटॉप के नाम पर ये फर्जी मैसेज हो रहा वायरल। व्हाट्सएप पर अब एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें फ्री लैपटॉप ऑफर किया जा रहा है। फ्री लैपटॉप के लिए यहाँ किसी लिंक पर क्लिक करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये फर्जी लिंक है जिससे आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। साथ ही किसी भी लिंक पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें, इससे आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी लोगों को इससे अलर्ट रहने की अपील की। सूचकांक गिरावट के साथ भारतीय इक्विटी हुआ बंद। भारतीय इक्विटी सूचकांक गिरावट के साथ 13 सितंबर को बंद हुई। 25,350 के नीचे निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ बंद होते देखी। वहीं निफ्टी के टॉप गिनरों की लिस्ट में विप्रो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक शामिल रहे। इसके अलावा निफ्टी के टॉप लूजरों की लिस्ट में ITC, अडानी पोर्ट्स, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर और SBI लाइफ शामिल रहे। पटना से गंगा के रास्ते राजमहल क्रूज हुआ रवाना। कोलकाता से 8 पर्यटकों, विदेशी पर्यटकों को लेकर एक भव्य क्रूज गुरुवार को पटना पहुंचा। ये क्रूज जो 5-स्टार होटल जैसी सुविधाओं और भारतीय संस्कृति से सज्जत है, गायघाट स्थित भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बंदरगाह के पास गंगा में रोका गया। इस दौरान 2 पर्यटक पटना में उतर गए, जबकि शुक्रवार को क्रूज पर बेल्जियम, अमेरिकी
न्यूजीलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के 16 नए पर्यटक सवार हुए। ये पर्यटक गंगा के रास्ते बनारस के लिए रवाना हुआ और यात्रा के दौरान बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया। आपको बता दें कि 2 मंजिला क्रूज राजमहल में 40 पर्यटकों के लिए शानदार सुविधाएं हैं, जिसमें वातानुकूलित कैबिन, सैलॉन और वाईफाई शामिल है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएल से, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 7 सितंबर, ऑप्शन बी है 6 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 सितंबर, ऑप्शन डी 8 सितंबर। इसका सही उत्तर 8 सितंबर। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी है एचडीएफसी बैंक। इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ इंडिया। बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है तंत्र, ऑप्शन सी है गणित, ऑप्शन डी है दवा। इसका सही उत्तर है तंत्र। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी है बख्तियारपुर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है हाजीपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है बिरजू कुमार, राजीव कुमार, सादुल्ला पालवी, दमन मिश्रा, रिंकी कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रमेश कुमार, प्रदीप पंडित, मोहम्मद रहमानतुल्ला, सुनील कुमार, प्रवेश कुमार, सानिया, प्रवीण, विकास शर्मा, राजीव कुमार, भरत प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपके पसंदीदा नेता कौन है और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।